गुड मॉर्निंग एट क्लास बेटे, कल हमने 2E एक्सरसाइज के पहले 2 सम कंप्लीट किए थे। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट सम, सम नंबर 3। द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 12, वन ऑफ द नंबर इज -8, फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 12, उनमें से एक संख्या है -8, फाइंड द अदर नंबर। तो इस सम को हम इस तरीके से करेंगे। पहले आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स 12, वन नंबर -8, अदर नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को वन नंबर से डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय वन नंबर। प्रोडक्ट कितना है 12, वन नंबर कितना है -8। तो 4 के टेबल पर 4 3 12, 4 2 8, -3/2। तो इस सम को हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि क्या है, दो संख्याएँ -8 और -3/2, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। देखिए हम करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 4 3 12, माइनस से माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 12। देखिए इस तरीके से नेक्स्ट सम है, इसी तरीके से ही है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/9, वन ऑफ द नंबर -2/3, फाइंड द अदर नंबर। तो ये भी आप सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर 5/9, वन नंबर -2/3, अदर नंबर। तो हम दोनों नंबर्स की क्या कर देंगे, डिवाइड। पिछले समय भी हमने डिवाइड किया था, इसमें इस तरीके से डिवाइड का साइन लगा के करेंगे। और डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। साइन को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9, तो 5/6 आंसर आ गया। माइनस का, माइनस का साइन है, तो अदर नंबर आ गया -5/6। नेक्स्ट हम है 5th, why what rational number should -8/39 be multiplied to obtain 1/6 26, कि -8/39 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1/26 गेट हो। तो हम मान लेते हैं हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर x। -8/39 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, x से, कि हमें कितना गेट होता है 1/26। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस नंबर को, ये देखिए p अपॉन q है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो q अपॉन p, यानी कि ये जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। 39 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन 8 के साथ। अब 13 के टेबल पे कटिंग की है, 13 3 39, 13 2 26, तो आंसर क्या आ गया, -3/16। तो रिक्वायर्ड नंबर आ गया -3/16, कि अगर हम -8/39 को -3/16 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना गेट होगा, 1/26। नेक्स्ट है, वाई वट नंबर शुड -15/56 बी डिवाइडेड टू गेट -5/7, कि -15/56 को कितने से डिवाइड करें कि -5/7 गेट हो। तो देखिए ये सेम ऐसे ही करने, लेट द रिक्वायर्ड नंबर एक्स, इसमें क्या है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले समय हमने किया था मल्टीप्लाई, इस समय हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि डिवाइड का है। -15/56 डिवाइडेड एक्स इक्वल टू -5/7। सबसे पहले डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, 1/x हो जाएगा, क्योंकि x के नीचे क्या है 1, 1/x इज इक्वल टू -5/7। अब 1/x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये वाला नंबर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो रिवर्स हो जाता है। ये वाला नंबर, रेशनल नंबर, जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा इस साइड आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा 56/15। 7 के टेबल पर 56 8 पे कटता है, 5 के टेबल पर 15 3 पर, माइनस से माइनस कैंसल। तो 1/x इज इक्वल टू 8/3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, 3 1 3 और 8 को x से करेंगे 8x। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को इधर ले आएंगे, 3/8, कि -15/56 को अगर हम 3/8 से डिवाइड करें तो हमें कितना गेट होगा, -5/7। तो ध्यान से करने हैं बेटे ये सम। नेक्स्ट है, डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7, इन दोनों के प्लस को बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2, इन दोनों के प्रोडक्ट से। ध्यान से देखिए, इन दोनों के प्लस को इन दोनों की मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है, इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है। तो देखिए आप कैसे लिखोगे ये नंबर। पहले नंबर्स को आपको क्या है, प्लस करना है, 13/5 प्लस -12/7, डिवाइड करना है किस से, इन दोनों के प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई,
31/7 माइनस मल्टीप्लाई 1/-2, तो 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। 5 के टेबल पर 35 7 पे आता है, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 भी कर सकते हैं। और 7 के टेबल पर 35 कितने पे आता है, 5, तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, 12 5 60। और प्लस माइनस माइनस, ये होगी इनकी सम। इधर हमने करनी है प्रोडक्ट, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 1 31, 7 2 14। माइनस कर दीजिए 31/35 डिवाइडेड 31/14, फिर डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसको रिवर्स कर देना है, फिर इसकी कटिंग कर लेनी है, ये आपने आगे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हम देखिए 8th, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 वाई देयर डिफरेंस। इन दोनों के प्लस को इन दोनों के डिफरेंस से ही डिवाइड करना है। पहले इन दोनों के प्लस करने हैं, फिर इन दोनों का ही क्या करना है आपने, माइनस। इन दोनों टर्म्स को प्लस, फिर इन दोनों टर्म को माइनस, फिर उनकी आपस में डिवाइड। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 65/12 प्लस 8/3, दोनों का प्लस कर लिया, डिवाइड, डिवाइड करना है, फिर इन दोनों का क्या कर दिया, माइनस। फिर एलसीएम लेके बैठे आपने इनको सॉल्व कर लेना है। 12 3 36, 12 के टेबल पर 36 3 पे आता है, तो 65 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 के टेबल पर 36 12 पे आता है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। सेम टर्म इधर भी आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस कर दीजिए और इधर माइनस, फिर डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स, 36 से 36 इसको 3 के टेबल पे काट देंगे, तो आंसर आ गया 97/33। तो बेटे इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज है 2E फियर नोटबुक पर अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।